सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप अपने डिलीट की गई फ़ोटोज़ और वीडियोस को वापस से रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपने 10 साल पहले डिलीट की हो, या फिर आपसे गलती से डिलीट हो गई हो, या फिर दोस्तों आपका फ़ोन ही खो गया हो, तो दोस्तों आप अपने नए फ़ोन में भी उन्हीं फ़ोटोज़ उन्हीं वीडियोज़ को वापस से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल की और धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो यार वीडियो को अभी से लाइक और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक एप्लीकेशन ढूंढ लेना होगा जो कि हर किसी फ़ोन में होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम है गूगल फ़ोटोज़। तो यहां पर हमारा फ़ोन में यहां पर है, देखिए गूगल फ़ोटोज़। तो यहां पर हम गूगल फ़ोटोज़ को ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर गूगल फ़ोटोज़ ओपन होने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल गैलरी की तरह ही है, यहां पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है शो कर रही है, लेकिन दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि दोस्तों इसी गूगल फ़ोटोज़ ऐप में जो है एक ऐसा हिडन फीचर दिया गया है जिससे कि आप अपने वीडियोज़ को फ़ोटोज़ को वापस पा सकते हैं, यानी कि जितने भी पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो आपको वापस मिल जाएगी, आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको 3-4 सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है ये कंप्लीट हो पाएगा, तभी जाकर आप अपनी गैलरी से या फिर अपने फाइल मैनेजर से जहाँ से भी अपनी फ़ोटोज़ डिलीट कर चुके होंगे वो फ़ोटोज़ आप वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक आपको देख लेना होगा, कहीं भी आप यहाँ पर स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ होंगी, प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ वीडियोज़, वो वापस नहीं आएंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप गूगल फ़ोटोज़ को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपके प्रोफाइल का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके प्रोफाइल का लोगो है, यानी कि आपकी जीमेल आईडी का लोगो। तो आपको यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए फ़ोटो सेटिंग का। ठीक है, तो आपको फ़ोटो सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर जैसे आप टैप करेंगे अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए बैकअप का। तो बैकअप वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप का ऑप्शन, और इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए बैकअप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस टू योर गूगल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने फ़ोटोज़ को अपने वीडियोज़ को वापस रिकवर कर सकते हैं गूगल अकाउंट की मदद से। तो दोस्तों आपको इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बैकअप का ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑफ है आपके फ़ोन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में ऑफ होगा, तो आपको इसे इनेबल कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल आईडीज होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब दोस्तों आपको वो जीमेल आईडी चूज़ कर लेनी है जो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप हमेशा याद रखते हैं या फिर याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको वो जीमेल आईडी चूज़ कर लेनी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी जीमेल आईडी चूज़ कर लेंगे। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमने जीमेल आईडी भी सेट कर ली है और बैकअप भी ऑन कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों अभी भी 3 सेटिंग करना बाकी है। ठीक है, ये 2 सेटिंग हुई, अभी 3 सेटिंग और करना बाकी है, तब जाकर जो है आपका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वापस आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो आपको यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप जीमेल आईडी चूज़ करेंगे और बैकअप को ऑन करेंगे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। अब यहाँ पर नीचे 3 सेटिंग्स दी गई है, देखिए 3 सेटिंग्स है, तो बारी बारी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है देखिए बैकअप क्वालिटी का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, देखिए पहला है ओरिजिनल क्वालिटी का, दूसरा है स्टोरेज सेवर का, और तीसरा है यहाँ पर एक्सप्रेस का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेस सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका फ़ोटो का या फिर वीडियोज़ का जो भी क्वालिटी होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है देखिए स्टोरेज सेवर, तो इससे भी आपका
फोटोज़ वीडियोज़ का जो क्वालिटी है वो एकदम कम हो जाएगा। कम होने का मतलब यानी कि दोस्तों आपका फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ जो भी है वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है ओरिजिनल क्वालिटी का, तो आपको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो सेटिंग है यहाँ पर मोबाइल डेटा यूसेज का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको डेली लिमिट फॉर बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट है नो डाटा, आपको यहाँ पर 30 MB वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो पता होगा कि हर किसी के पास वाईफाई नहीं होता है, अभी भी काफ़ी लोग जो है मोबाइल डाटा से काम चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अनलिमिटेड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो भी मोबाइल का डेटा होगा वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको 30 MB पर डे वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 30 MB सेलेक्ट कर लिया है, 30 MB वाला ऑप्शन जो है आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके पूरे दिन में अगर 30 MB ये ऐप लेता है तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका डेटा भी यहाँ पर सेफ रहेगा और दोस्तों आपका जो फोटोज़ है वीडियोस है वो यहाँ पर धीरे धीरे सेफ होता जाएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर 30 MB वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे या फिर आप अनलिमिटेड भी चूज़ करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर ये जो बैकअप वीडियोज़ ओवर डाटा का ऑप्शन है ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है, यहाँ दोनों को आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही इनेबल हो चुके हैं और यहाँ पर हमने 30 MB वाला जो डेली लिमिट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको बैक आ जाना है। थर्ड जो सेटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप डिवाइस फोल्डर्स, तो आपको यहाँ पर टैप करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके फ़ोन में फोल्डर्स होंगे वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ज़रूरी फोल्डर है जिसको यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो जो भी आपका मोबाइल होगा, ठीक है, चाहे सैमसंग हो, रियलमी हो या फिर दोस्तों ओप्पो का हो, कोई सा भी सेट हो, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन हो, तो उसका मॉडल नंबर वाला फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो रियलमी एक्स 2001 ये वाला मॉडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडल वाला फोल्डर जो है यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसे इनेबल करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बारी बारी से सभी को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जिसका भी आप फोटोज़ वीडियोज़ लेना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर व्हाट्सएप इमेज वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप बारी बारी से चाहे तो सभी को इनेबल कर सकते हैं या फिर आप कुछ चुनिंदा फोल्डर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपकी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं, प्यारे प्यारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और फोल्डर को जो है यहाँ पर चूज़ करना चाहेंगे जो कि है यहाँ पर न्यू फोल्डर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर हम चूज़ करेंगे और ड्राइव, देखिए ड्राइव को भी यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 फोल्डर्स को जो है सेलेक्ट कर लिया है जिसमें हमारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियो मिले, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि डिलीट करने के बाद हमें ना मिले। तो दोस्तों ऐसे आप अपने फोल्डर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन्हें सेलेक्ट करने से दोस्तों क्या होगा, जो भी इन फोल्डर्स में फ़ोटोज़ वीडियोस होंगे वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कहीं भी जो है किसी भी कारणवश आपने डिलीट कर दिए या फिर डिलीट हो गए हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो वापस आप पा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना होगा जिनमें आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं जो कि आपको बहुत प्यारी हैं, ठीक है। दोस्तों आपकी डिलीट की गई फ़ोटोज़ वीडियोस कैसे वापस आएंगी अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको वापस से फ़ोटोज़ वाले यानी कि गूगल फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लोगो है, लोगो को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए एक आउटलाइन सी यहाँ पर जो है चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो के आसपास आउटलाइन सी चल रही है, यहाँ पर जो है अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए बैकअप वाले ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है यहाँ पर अपलोड होती जा रही है, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पर स्टोरेज की ये भरता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, देखिए पहले अब यहाँ पर 588 MB है, अब कुछ देर बाद जो है यहाँ पर और भी जगह जो है भरती जाएगी। तो
तो जितने भी हमारे फ़ोटोज़ है, वीडियोस है, देखिए यहाँ पर देखिए 595 MB यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके दोस्तों आपका जो भी फ़ोटोज़ है, वीडियोस है, वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको 30 MB वाला ही ऑप्शन चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पर सेटिंग करके वापस से जो है अनलिमिटेड सेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास वाईफाई है। अगर आपके पास वाईफाई ना हो तो दोस्तों आप 30 MB पर डे वाला ऑप्शन ही चूज़ कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका डेटा भी बचेगा और 30 MB से आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि हमारा जो भी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो मान लीजिए आपका फ़ोन ही खो जाता है, ठीक है। हमारे फ़ोन से अगर डिलीट होगा तो हम तो वापस पा ही लेंगे, लेकिन हमारा फ़ोन ही अगर खो जाता है तो कैसे पाएंगे? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपने जीमेल आईडी सेट की है, ठीक है, उसी जीमेल आईडी में जो है आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ सेव है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे जो भी आपने जीमेल आईडी चूज़ की होगी उसी जीमेल आईडी के स्टोरेज में आपका फ़ोटोज़ वीडियोज़ सेव है। तो आपका फ़ोन अगर खो भी जाए, आप नए फ़ोन में वही जीमेल आईडी लॉगिन कीजिए जो आपने चूज़ की थी, जो आपको याद है, ठीक है। तो वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जो भी नया फ़ोन है जीमेल आईडी टाइप कर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो वापस जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी आपकी, जितने भी प्यारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी, वो सारी की सारी वापस आप रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप वापस से रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो 5 साल पुरानी हो या फिर 10 साल पुरानी हो या फिर 20 साल पुरानी हो। जितनी भी पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगी वो वापस से आप रिकवर कर सकते हैं। बस आपको अपनी वो जीमेल आईडी याद रखनी है जो भी आपने यहाँ पर सेट की है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी जान सके कि कैसे डिलीट की गई फ़ोटोज़ को या फिर वीडियोस को वापस पाया जा सकता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।